नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर चंडीगढ़ से, जहां पर संत कबीर दास की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अपने निवास पर आयोजित राज्य स्तरीय भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर दास को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि विश्व को मानवता और प्रेम का पाठ भी सिखाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को अपने निवास पर संत कबीरदास जी की जयंती पर राज्य स्तरीय भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीरदास को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान संत कबीरदास जी के शांति और सद्भाव के संदेश को सुनाने वाले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रहलाद सिंह टिपानिया कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे। उन्होंने अपने इस शरीर रूपी चादर को। और पंचकुला में शहीद मेजर संदीप सागर की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मेजर संदीप सागर चौक पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। शहीद मेजर संदीप सागर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिजनों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ साथ शहीद मेजर संदीप सागर की माता रक्षा सागर, बहन, परिवार के बाकी सदस्यों, रिश्तेदारों ने शहीद मेजर संदीप सागर को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो पंचकुला की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि शहीद मेजर को श्रद्धांजलि दी गई। ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो पहुँचे, उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित किया। हालांकि पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में, जिसमें कई लोग शामिल रहे, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी श्रद्धांजलि दी और पुष्प चक्र अर्पित किए। तो ये उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शहीद मेजर संदीप सागर की पुण्यतिथि के मौके पर। और फरीदाबाद पुलिस ने सूचना के आधार पर मलेंडा रोड पर बने हुए एक स्विमिंग पूल में छापेमारी की है। छापेमारी करते हुए 12 से ज्यादा युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में लीपापोती करते हुए सिर्फ पूल संचालक के खिलाफ मामूली धाराओं में केस दर्ज किया गया है और मौके से आपत्तिजनक स्थिति में मिले दर्जन भर से ज्यादा युवक और युवतियों को दबाव के चलते मामले से ही बाहर कर दिया गया है। तो फरीदाबाद में मलेना रोड पर स्विमिंग पूल में छापेमारी हुई है। सुनील चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। सुनील, कब ये छापेमारी की गई और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई अभी तक, क्या वजह इसके पीछे की? जी शंकर, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि कल ये देर रात ये पूल पार्टी और रेप पार्टी का जो आयोजन किया गया था, ये मलेरिया रोड फरीदाबाद के अंदर है, जो वहां पे किया गया था। इसके अंदर जो है वहां पे दर्जन भर से ज्यादा, जिसमें 7 से 8 क्या नाम युवतियां थी, 7 से 8 जो है लड़के थे, जो मौके से क्या नाम है पुलिस ने क्या नाम गिरफ्तार किए थे। लेकिन किसी दबाव के कारण या किसी और वजह के कारण उनको, लड़कों को तो छोड़ दिया गया और सिर्फ पूल संचालक जो है, जो वहां पे जो अपना फार्म हाउस था उनके अंदर जो स्विमिंग पूल बना रखा था, उस पार्टी जो संचालक था कह सकते हैं इसे एक तरीके से, उस संचालक के खिलाफ उन्होंने सिर्फ एक मुकदमा दायर किया, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 188 की धारा के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक ही आदमी ने क्या ये नियम तोड़ा था? सबसे बड़ी बात है कि जो वहां पे वो जो लड़के और लड़कियां जो वहां पे पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, वो किन कारणों से वहां पे छोड़े गए? इस मामले की पड़ताल करने के लिए जब हमने सुबह से
मैंने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो एसएचओ ने सबसे पहले हमसे यही कहा कि अभी फिलहाल संचालक के खिलाफ किया गया है, तफ्तीश जारी है, मतलब मामले में हर तरीके से ढीला रवैया उन्होंने अपनाया, हर तरीके से गोल गोल बात करते रहे ताकि किसी तरीके को बात ना उठे। लेकिन इस मामले में जब हमने सीपी साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद श्री ओपी सिंह और अर्पित जैन डीसीपी हेडक्वार्टर उनसे उनको मामले में संज्ञान में बात डाली कि शायद उन तक वो ये बात ना पहुंची हो, एसएचओ या एसीपी लेवल के जो अभी अधिकारी हैं वो पहले ही ढुलमुल रवैया हो सकता है कि इसको रफा दफा करने के चक्कर में हो, तो उन्होंने आश्वासन दिया आज कि किसी भी तरीके से जो भी दोषी होंगे उस स्थिति को जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सदर बल्लभगढ़ के जो एसएचओ हैं उनका मामला जो है सबसे बड़ा संगीन जो उस मामले में, क्योंकि उसी उन्हीं के अंडर में ये एरिया आता है और उन्हीं के द्वारा ही ये तफ्तीश की गई थी कि भाई किस तरीके से क्या कहानी हो रही है, छापेमारी भी पुलिस के द्वारा जो दी गई थी उन्हीं के द्वारा की गई थी। अब सबसे बड़ी बात होगी पीआरओ से जब हमने शाम को उनके इस मामले में जो हमारे पुलिस पीआरओ हैं नवीन कुमार जी उनसे हमने बाइट ली, तो डीसीपी साहब के कहने के बाद उन्होंने बाइट दी, बाइट देने के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें संबंधित जो भी अधिकारी दोषी होंगे या जो भी जो पुलिस अधिकारी दोषी होंगे जो भी इसमें आरोपी पाया जाएगा उनके खिलाफ क्या नाम पूरी पूरी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सारा मामला जो है पुलिस के आला अधिकारियों के। सुनील वो तो बात की चीजें जांच होगी लेकिन मौके पर जो चीजें दिखी है पुलिस को उसके आधार पर तो कार्रवाई पुलिस ने नहीं की इसमें। जी शंकर मैं बताना चाहूंगा कि मौके पर जो है जो युवक युवतियां जो है वो एक तरीके से मैं कहूंगा कि न्यूड की पोजीशन थी, आपने वीडियो भी देखे होंगे, दर्शक भी हमारे न्यू वीडियो देख रहे होंगे, एक तरीके से उस तरीके की पोजीशन में थे, शराब की पार्टियां चल रही थी, मस्ती कर रहे थे युवक और युवतियां सभी तरीके के, हो सकता है उस पार्टी के अंदर रेप पार्टी के अंदर ड्रग्स का भी यूज किया हो, लेकिन पुलिस ने अपने इस मामले के अंदर थाना सदर बल्लभगढ़ के सचिव उन्होंने पूरी तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाया है। अब देखने वाली बात होगी कि ऊपर के आला अधिकारी इस मामले के अंदर कितनी बड़ी सलिप्तता देखते हुए एसएचओ सदर के खिलाफ कार्रवाई कर पाते हैं। जी शंकर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सुनील आपका। 12 से ज्यादा युवक युवतियों को फिलहाल पकड़ा है लेकिन बताया जा रहा है कि उनको छोड़ दिया गया था, आपत्तिजनक हालत में पुलिस ने इनको पकड़ा था, हालांकि कुछ देर बाद क्यों छोड़ा गया पुलिस की तरफ से ये किसी के समझ में नहीं आ रहा, हालांकि अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई भी बयान अभी फिलहाल नहीं दिया गया है और साथ ही साथ जो जांच अधिकारी हैं वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं फिलहाल। और खबर चंडीगढ़ से जहां पर चंडीगढ़ में फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ही बच्चों को दाखिला दे रही है और इस प्राइवेट स्कूलों के इन बच्चों का जो डेटाबेस शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया गया उसे सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में 30 जून को जल्दी सुनवाई के लिए याचिका भी लगाई, इस मामले में वो आसानी से नहीं जाने देंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी वो अपनी गुहार लगाएंगे। बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देने को सहन नहीं किया जाएगा, तो सरकार तुरंत ऐसे बच्चों को वापस करें ये मांग की गई है। कुलभूषण शर्मा ने कहा कि सरकार का ये कदम आईटी एक्ट के खिलाफ भी है। तो क्या निदेशालय का ये काम है कि हमने तो उसको अपना निदेशालय समझा था तो उसको लिख देना चाहिए बाहर के ये सरकारी निदेशालय है, प्राइवेट स्कूलों का निदेशालय नहीं है, हमने भी उनसे मान्यता प्राप्त की हुई है, सारे उनके नियम पूरे करते हैं और उसके बाद इस तरह का व्यवहार कि हमारे लाखों बच्चे, भाई अगर आपको इतना ही है अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके सारे बच्चे ले जाएं, बच्चों की चॉइस है कि वो कहां पर जाएं, लेकिन कानून की भी कोई ना कोई मान्यता है, जो कानून बने हैं, एजुकेशन कोड बना है, एजुकेशन रूल बना है, संविधान बना है, उसके अंदर हमारा एक राइट है, ये हमने कॉपीज रखी है कि SLC के बगैर बच्चा दूसरे स्कूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। और खबर पंचकुला से जहां पर शराब के नशे में पुलिस कर्मियों से मारपीट करने और उनके वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला पंचकुला के सेक्टर 25 की मार्केट में बताया जा रहा है जहां दो युवकों ने शराब के नशे में पुलिस कर्मियों से मारपीट की और मारपीट करते हुए पुलिस कर्मियों की वर्दी तक फाड़ डाली। पुलिस के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल भी हुआ है, ये तस्वीरें उसी वक्त की देखी। पंचकुला के सेक्टर 25 मार्केट का ये वीडियो पूरा जब मारपीट की गई, मारपीट करने के बाद पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी गई, सेक्टर 25 मार्केट की पूरी घटना है। शराब के नशे में पुलिस कर्मियों के साथ इन युवकों ने मारपीट की है जिसमें आप देख पा रहे होंगे पुलिस कर्मी को 6 से 7 लोगों ने घेरा हुआ है, मारपीट की जा रही है और नशे में ये सभी बताए जा रहे हैं, जिसके बाद
ये घटना पंचकुला में सेक्टर 25 के जो मार्केट में वहाँ पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या संज्ञान लिया है ये फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मारपीट की वर्दी तक फाड़ दी गई। और करनाल में शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, लेकिन बाहर कुछ संख्या में किसान पहुंच जाते हैं। हालांकि वो अपने निजी काम से आए हुए थे या फिर विरोध करने, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री रेस्ट हाउस चले गए। और किसानों को जब ये सूचना मिली तो बड़ी संख्या में किसानों ने वहां पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। गिरफ्तार हुए किसानों की रिहाई की मांग की गई। तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ ये प्रदर्शन किसानों का, हालांकि जब प्रदर्शन हो रहा था कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद भारी संख्या में किसान वहां पर आ गए, हंगामा करने लगे और नारेबाजी की गई। कहा कि जो गिरफ्तार हैं किसान उनकी रिहाई हो। तो कष्ट निवारण समिति की दरअसल ये बैठक जिसमें पहुंचे थे शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर, जिनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।